तो नमस्कार दोस्तों, राजा बाबू म्यूजिक वर्ल्ड में आप सभी म्यूजिक ऑडियो कैसेट के दीवानों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजा बाबू म्यूजिक वर्ल्ड पर म्यूजिक ऑडियो कैसेट के मैं कुछ रिव्यू देता हूं, कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा करता हूं। तो आज के वीडियो में भी हम एक बहुत ही शानदार एवरग्रीन हिट फिल्म, और फिल्म तो हिट थी ही, साथ में इसके दोस्तों गाने भी सुपर डुपर हिट थे। तो आज के वीडियो में हम अजय देवगन की 1994 में आई हुई सुपर डुपर हिट फिल्म विजयपथ का ऑडियो कैसेट रिव्यू करेंगे। ऑडियो कैसेट दोस्तों बहुत ही पुरानी है, टाइम कंपनी पर आई हुई थी, और 1994 में जिस समय ये मूवी थिएटर में आई थी उसी समय ये दोस्तों कैसेट भी लॉन्च हुई थी, मतलब उसकी पैकिंग भी 1994 की है। और सबसे पहला लॉट जो था वो टाइम कंपनी पर ही आया था, इसके बाद फिर ये टिप्स कंपनी पर चली गई थी। ऑडियो कैसेट आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है, टाइम कंपनी की विजयपथ। तो आज के वीडियो में हम विजयपथ ऑडियो कैसेट को लगाएंगे अपने डेक प्लेयर में और सुनेंगे इसके टोटल गाने। कितने गाने हैं, कुछ किसने गाए थे, उस टोटल आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले कैसेट देख लीजिए आप, टाइम कंपनी की कैसेट कुछ इस प्रकार होती थी। अब मैं आपको कैसेट अंदर से दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, ये पहली कैसेट है जो कि फर्स्ट लॉट है विजयपथ फिल्म का। ये देख लीजिए, विजयपथ की ओरिजिनल ऑडियो कैसेट फर्स्ट लॉट टाइम कंपनी पर आई हुई थी, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ। और फर्स्ट कैसेट आई थी दोस्तों ये टाइम कंपनी पर, आप इसका रैपर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का रैपर है टाइम कंपनी का, और इसमें यहाँ पर आपको दिखेगा ईना मीना डीका का एड जो कि इस कंपनी में है। तो यदि आपको ईना मीना डीका फिल्म का एड भी सुनना है तो भी आपको इसी कैसेट में सुनने को मिलेगा, तो वीडियो आपको एंड तक देखना है। उससे पहले आपसे एक छोटी सी दरखास्त करना चाहूँगा कि आगे भी आपको इसी प्रकार के वीडियो देखना है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को अवश्य दबाना, उससे होगा ये कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। यदि आप भी म्यूजिक कैसेट के दीवाने हैं और आपने भी म्यूजिक कैसेट से अपने मनोरंजन किया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कोई अच्छा सा कमेंट जरूर डालें, और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए हम साइड लगाते हैं और सुनते हैं पहला गाना, और पहला गाना जैसे ही प्ले हो वैसे ही आपको लाइक जरूर करना है। और गाना कौन सा आ रहा है आपने पहचान लिया होगा, राह में उनसे मुलाकात हो गई। ये लगा दी मैंने ऑडियो कैसेट अपने डेक प्लेयर में और इसको हम प्ले करते हैं, ठीक है। और इस ज़माने में लगभग हम उस ज़माने में 90s में और 2000 में अक्सर ऑडियो कैसेट से ही अपना मनोरंजन किया करते थे, लेकिन अब संसाधन बहुत कुछ हो गए हैं और इनका ज़माना जा चुका है, ऑडियो कैसेट का, डेक प्लेयर का, रेडियो का, बहुत कुछ ज़माना चेंज हो गया है। लेकिन हमने जब इनसे मनोरंजन किया है तो हमारी यादें इनके साथ निश्चित ही जुड़ी हुई हैं। यदि आपने किया है तो आपकी निश्चित ही यादें जुड़ी हुई होंगी, और आपने जब ऑडियो कैसेट और टेप रिकॉर्डर की आवाज़ सुनी होगी तो आपको इस ज़माने की आवाज़ में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता होगा, और आपको उन गानों में मज़ा नहीं आता होगा क्योंकि आपने उस ज़माने के इतने शानदार प्यारे प्यारे गाने सुने हैं, तो इस ज़माने के गाने में आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, ना आपको इस ज़माने की आवाज़ में आएगा, क्योंकि जो आवाज़ डेक प्लेयर में और ऑडियो कैसेट में थी शायद इस ज़माने में नहीं है। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो चलिए सुनते हैं पहला गाना। चलिए दोस्तों, साइड ए का पहला गाना आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा, और कुछ समय के लिए आप आपके उन दिनों में निश्चित ही लौट गए होंगे। अब हम साइड ए का दूसरा गाना सुनते हैं, गाना है रुक 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 अरे बाबा रुक। चलिए सुनते हैं। चलिए दोस्तों, हमने साइड ए का दूसरा गाना सुना, अब हम साइड ए का तीसरा गाना सुनेंगे, और गाना है आइए आपका इंतजार था। ये गाना बहुत ही अच्छा है। चलिए दोस्तों, हमने साइड ए का तीसरा गाना सुना, आइए आपका इंतजार था। तो आप सभी म्यूजिक के दीवानों का भी राजा बाबू म्यूजिक वर्ल्ड पर इंतजार है, आइए और अपनी पुरानी यादें ताज़ा कीजिए। चलिए हम साइड ए का
चौथा गाना सुनते हैं सागर संग किनारे हैं, ये गाना भी बहुत ही शानदार है, चलिए सुनते हैं। चलिए दोस्तों, हमने सुना साइड ए का आखिरी गाना सागर संग किनारे हैं, कुमार सानू साहब की बहुत ही प्यारी आवाज में। चलिए टाइम कंपनी का एड सुन लेते हैं थोड़ी देर के लिए। टाइम ऑडियो कैसेट्स। तो चलिए दोस्तों, हमने लगा दी साइड बी, और साइड बी में एक बहुत ही प्यारा एडवर्टाइजमेंट मतलब उस जमाने का विज्ञापन है, और विज्ञापन किस फिल्म का है जो कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको बताया था, और वो फिल्म है दोस्तों ईना मीना डी का। देख लीजिए इसमें मेंशन किया हुआ है, शायद आपको दिख रही होगी, ईना मीना डी का इसमें मेंशन किया हुआ है। तो इसका एड ब्रेक जो कि टाइम कंपनी पर ये आई थी, चलिए सुनते हैं, और इसको सुनकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और यूट्यूब पर ये ऐड का आपको कहीं पर भी सुनने को नहीं मिलेगा। तो चलिए सुनते हैं ईना मीना डीका का वही हमारा 90s के जमाने का एड ब्रेक मतलब विज्ञापन। सुरीला साथी, टाइम ऑडियो टाइम वीडियो, हमारा आपका सुरीला साथी सभी का अब अपने साथ लाया ईना मीना डीका। टावल में बाहर जाओगी तो हल्ला मच जाएगा, कर दोगी बदनाम तुम। नितिन मनमोहन के निर्माण की मनमोहक रोशनी में चमकते, डेविड धवन के निर्देशन से दमकते, सपनीली दुनिया के चमचमाते सितारे हैं ऋषि कपूर, जूही चावला और विनोद खन्ना, यानी ईना मीना और डीका, जो आए हैं टाइम कैसेट्स पर। अंगूठी में नगीना, इना को मिल गई मीना, दिल्ले ने का अब आएगा मजा, कह दो आज समा। तो दोस्तों ये एड खत्म हो गया, अब हम साइड ए, तो दोस्तों ये एडवर्टाइजमेंट खत्म हो गया, अब साइड बी का पहला गाना आ रहा है, कल सैया ने ऐसी बॉलिंग करी, चलिए सुनते हैं। चलिए दोस्तों, साइड बी का हम दूसरा गाना सुनते हैं, सीने में दिल है, वो बहुत ही अच्छा गाना है, चलिए सुनते हैं। सीने में दिल है, दिल में सनम और सनम में जान। तो हमने साइड बी का दूसरा गाना सुना सीने में दिल, अब हम साइड बी का तीसरा गाना सुनते हैं लड़के आज के लड़के, ये साइड ए का आखिरी गाना मान के चलते हैं, क्योंकि इसके बाद आइए आपका इंतजार जो कि रिवर्स हो गया है। तो चलिए सुनते हैं आखिरी गाना विजय पथ, बहुत ही शानदार मूवी का। दोस्तों अभी हमने गाना सुना लड़के आज के लड़के, जो कि साइड बी का लगभग आखिरी गाना मान के चलिए। दोस्तों आज के वीडियो में हमने बहुत ही शानदार फिल्म विजय पथ का ऑडियो कैसेट रिव्यू किया, जिसमें आपको पूरे गाने मैंने एक एक कर प्ले कर सुनाए। तो यदि आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करना, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है। अब 10 गानों को प्ले करना, एक एक कर प्ले करना, फिर उसको एडिट करना, बहुत सारी मेहनत लगती है। तो यदि आप भी म्यूजिक कैसेट के दीवाने हैं तो आप इस चीज़ को समझते होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और हाँ, आपकी पसंद की कोई मूवी हो जिसकी मेरे कलेक्शन में ऑडियो कैसेट होगी तो निश्चित ही मैं उसका रिव्यू करने वाला हूँ। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपकी पसंद की कौन सी मूवी है, अगला रिव्यू हो सकता है उसी का करूँ। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली कैसेट के अगले रिव्यू में, जब तक कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते रहिए और सुनती है और सुनते रहिए कुछ 90 के ज़माने के मज़ेदार बेहतरीन गाने। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।